आइए आज हम मिरर और लेंस, दर्पण और लेंस, इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि लाइट होती क्या है। तो लाइट, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश क्या है? ये ऊर्जा का एक रूप है, और ये लाइट जो है चारों तरफ फैल सकती है, ट्रेवल कर सकती है। और जिस माध्यम से इसको हम कुछ ऐसे समझते हैं, ये एक सोर्स ऑफ लाइट। इसके लिए हम क्या करें, हमने एक सोर्स ऑफ लाइट लिया, इसको हमने यहां रख दिया, और यहां पर ये जो लाइट है ये चारों तरफ जाएगी, और ये एनर्जी हम मान लेते हैं 100% एनर्जी है जो इसके ऊपर चारों तरफ जा रही है। एक मीडियम ये है जो हवा है, और दूसरा मीडियम मैं यहां लगा देता हूं, यहां पर। ये क्या हुआ, मिरर। एक एक्रिलिक शीट है जो एक तरफ से शाइनिंग है और एक तरफ से पेंटेड है, मैं इसको यहां लगा देता हूं। तो क्या होगा, ये जो लाइट है ये यहां तक तो ट्रेवल करेगी, यहां तक इस मीडियम में, लेकिन जैसे ही ये क्या किया, मिरर पर टकराने के बाद वापस आती है। दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्ट कर रही है। ये धुआं मैंने किस लिए कर दिया, कि हवा जो एक कोलाइडल मीडियम बन जाए, पार्टिकल की साइज थोड़ा बड़ी हो जाए, जिससे ये लाइट हमें अच्छी तरह दिखाई दे। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन मैं ये मीडियम दूसरा जो मीडियम है इसको मैं बदल देता हूँ। इसकी जगह मान लो मैं ये ले लेता हूँ, जो जिसके मैं आर पार देख सकता हूँ। इससे करें तो क्या होगा, थोड़ी सी लाइट तो मेरी तरफ वापस आ रही है, लेकिन ज्यादा लाइट उसके आर पार जा रही है, ट्रांसमिट हो रही है। तो जब ज्यादा लाइट ट्रांसमिट हो रही है तो इसको मैं बोल देता हूं ट्रांसमिटर लेंस। और इस केस में मैं क्या बोल देता हूं इसको, मिरर।